हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। तो आज के जो हमारे वीडियो हैं बहुत ही खास होने वाले हैं। आज के जो वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा वो है महुआ के पौधा के बारे में। हम अपने चैनल में आप सभी को नए नए पेड़ पौधे की जानकारियां सिखाते हैं ताकि आप सब हमेशा स्वस्थ रह सके, निरोग रह सके और आप सभी को फ्री में आयुर्वेद की जानकारी हो, क्योंकि हमारे भारत भूमि से 90% आयुर्वेद की जानकारी समाप्त हो चुकी है। लोग आयुर्वेदिक दवा को भूलते जा रहे हैं, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को फ्री में आयुर्वेद की जानकारी सिखाते हैं ताकि भारत भूमि से इस प्रकार के ज्ञान समाप्त न हो। अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में प्रकार की जानकारियां आती रहती है। पहले भी मैं महुआ के बारे में एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं आप लोगों को टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाला तरीका बताया था। बिल्कुल ही 24 घंटे में महुआ के प्रयोग से टूटी हुई हड्डी जुड़ जाते हैं, चलने फिरने लायक बन जाते हैं। जैसे कि पशु की टूटी हुई हड्डी है तो बिल्कुल ही 5 से 6 घंटे के भीतर में जुड़ करके चलने फिरने लायक बन जाते हैं। हमने वीडियो में आप लोगों को सिखाए थे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, महुआ से देसी शराब भी बनाया जाता है। महुआ का फल जब पेड़ से पूरी तरह से पकड़ के गिर जाते हैं तो इसे सुखा करके पता नहीं कौन सा तरीके से, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी जो आदिवासी लोग रहते हैं महुआ के शराब बनाते हैं। तो इसका औषधीय प्रयोग बताने वाला हूँ, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। यह वीडियो 3 से 4 मिनट की बनने वाली है। 3 से 4 मिनट की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको हमेशा काम आएंगे, क्योंकि कोई भी जानकारी होती है, हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं, लेकिन काम जरूर आते हैं। फिर इसे मैं हड्डी ठीक करने वाला तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं, अगर आपके दांतों में दर्द होता है तो क्या करें। अगर आपके दांतों में दर्द होता है तो महुआ के छाल को पीस ले, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर के उबाल ले और इसके बने हुए काढ़े से आपको कुल्ला करना है तो दांतों से निकलने वाला खून है, दांतों में होने वाले दर्द है, बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। गठिया में दर्द हो रहा है, गठिया के दर्द ज्वाइंट पेन है ना, जिसे हम बोल सकते हैं, तो इसके छाल को पीस करके गठिया के दर्द पर लगाने से गठिया के दर्द ठीक हो जाते हैं। तीसरे फायदा के रूप में कुछ इस प्रकार से हैं। वीडियो छोड़ करके मत जाना, जो अभी मैं दो फायदा बताऊंगा इसके और दो फायदा नहीं बताऊं, ये आपको हमेशा काम आएंगे। तो यह है, पेट के कीड़े को भी मारते हैं, तो महुआ का सेवन करने से पेट के कीड़े मारने में काफ़ी मददगार होते हैं। तो क्या करना होता है, इसके छाल का काढ़ा बना करके पीना होता है और महुए की रोटी खिलाना होता है, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं, चाहे छोटे बच्चे में हो चाहे बड़े में हो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग को भी पेट के कीड़े की समस्या हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, मैं आप लोगों को अंतिम उपाय बता देता हूं कि टूटी हड्डी को किस प्रकार से जोड़ता है। वैसे जो मेरे दर्शक हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो कि पुराने दर्शक, उन्हें जरूर पता होगा, हमने इसके बारे में पहले भी वीडियो बता चुके हैं। अगर महुआ के छाल को मालकंगनी के तेल में पीस करके टूटी हुई हड्डी पर बांधा जाए तो टूटी हुई हड्डी ज़्यादा एकदम फ्रैक्चर नहीं है तो 24 घंटे के भीतर में चलने फिरने लायक बन जाती हैं। यह उपचार स्वयं नहीं करना चाहते तो पशुओं में कर सकते हैं। पशुओं की टूटी हुई हड्डी को 100% यह जोड़ देते हैं, चलने फिरने लायक बना देते हैं। अगर आपके स्वयं की टूटी हुई हड्डी है जिसे डॉक्टर भी जोड़ने में सक्षम नहीं हो रहे हैं तो यह प्रयोग करके देखने से टूटी हुई हड्डी जुड़ जाते हैं और पहले जैसा आप जो है स्वस्थ हो सकते हैं, आपकी हड्डी पहले जैसे जुड़ सकती है। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया महुआ के छोटी सी प्राकृतिक उपचार आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।